साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी 2, जिसकी लव स्टोरी दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई थी और लोगों ने भी फिल्म को अपना खूब प्यार दिया। जहां फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर नजर आए थे। बता दें, फिल्म को रिलीज हुए बीते 9 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद लोगों के बीच आज भी फिल्म का क्रेज है, जिसकी वजह से लोगों ने फिल्म के दूसरे पार्ट की भी मांग करनी शुरू कर दी थी और लोगों का यही क्रेज देख मेकर्स ने आशिकी 3 पर काम करना शुरू भी कर दिया है। और आज हम आपको आशिकी 3 फिल्म से जुड़ी खबरों के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशिकी 2 के बाद आशिकी 3 की खबर ने दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज बना दिया है। लोगों ने जहां आशिकी 2 फिल्म को अपना इतना प्यार दिया और साथ ही फिल्म के गानों ने तो दर्शकों के दिलों में अब तक जगह बनाई हुई है। लोग अपने हर मोमेंट में उन गानों को याद करते हैं, जिसकी वजह से फिल्म आशिकी 2 दर्शकों के दिलों में बनी ही रहती है और इसी वजह से लोगों ने फिल्म के दूसरे पार्ट की भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी। और इसी क्रेज को देखते हुए मेकर्स अब आशिकी 3 पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जहां फिल्म का टीजर भी देखने को मिल चुका है, जिसमें अभिनेता कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आशिकी 3 फिल्म आशिकी 2 से काफी ज्यादा हटकर होने वाली है, जिसकी लव स्टोरी में भी कुछ डिफरेंट नजर आएगा और लोगों को इस फिल्म की कहानी भी काफी अच्छी लगने वाली है। और इस फिल्म को अनुराग वासु डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने जग्गा जासूस और बर्फी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। और ये फिल्म आशिकी 3 को भी उतनी ही बखूबी से डायरेक्ट करने वाले हैं, जैसे इन्होंने अपनी और फिल्म को कर रखा है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, तो आपको बता दें फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अभिनेता कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें फिल्म में अभी तक कार्तिक आर्यन के अपोजिट किसी एक्ट्रेस का नाम कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट, रश्मिका मंदाना और समांथा रूट प्रभु का नाम सामने आ रहा है। लेकिन मेकर्स की तरफ से अभी किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन का नाम कंफर्म हो चुका है। वेल दोस्तों, आप आशिकी 3 मूवी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।